यहाँ से तुम ग्राफिक बिल्डर, इसका कंट्रोल बिल्डर खोल लो, ये खुलेगा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन स्टूडियो। ये आ गया तुम्हारा सर्वर, सेलेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो। ठीक, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट ट्री हो गया पूरा, इसमें तुम यहाँ पे जाओ और कंट्रोल स्ट्रेटजी पे क्लिक करो। प्रेशर आप दोनों न्यू या ओल्ड प्लांट दोनों को प्रेशर बराबर मिलना चाहिए, एक को कम एक को ज़्यादा मिलेगा। कंट्रोल स्ट्रेटजी में यहाँ आ जाओ, कॉन्फ़िगर प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटजी पर क्लिक कर दो, हमारा एक्सपेरियन पीकेएस खुल जाएगा। ये प्रोजेक्ट ट्री, इसको रूट बोलते हैं, प्रोजेक्ट ट्री बोलते हैं। यहाँ जाओ, इसको एक्सपेंड करो। ठीक, ये तुम्हारा C300 कंट्रोलर, ये दोनों IO लिंक है। ये तुम्हारा प्रोग्राम है, ये दोनों IO लिंक है, ये रिडंडेंट कंट्रोलर है, सेकेंडरी लिखा है ना, ये सेकेंडरी है। ठीक, अब अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे, सारे प्रोग्राम तुम्हारे सामने, ये जितने भी टैग हैं, जैसे इसको खोल लो, ये है ऑक्सीजन एनालाइजर 1080-001, इसको बोलते हैं तुम्हारा मॉनिटरिंग मोड, ऑनलाइन मोड। ये तुम्हारा खुल गया, देखो ये ढाका ब्लॉक है। ठीक, इसको तुम क्लिक करोगे, SPM एनालाइजर एट चिमनी यूनिट PV ऑल कर दो, ओनली ऑटो मत करो, सोर्स ऑटो फॉर्मेट लीनियर, ये रेंज है तुम्हारा स्केलिंग का। अभी देख लो, बना लेना, मैं बताऊंगा, बना लेना। अलार्म ठीक, हाई हाई हाई, लो लो लो, ठीक है। मेरा ऑपरेटर कुछ नहीं बोलेंगे, कौन चलाएगा इंडिकेशन, ये नाम है ब्लॉक का, मनोज को बोलो ना, कोई नहीं है, राधे सर से हम बात किए हैं, तो बोला सकील को बोलो, सकील मनोज चलाएगा। ठीक है, तुम मान लो इस पर चले जाओ, मनोज चला गया, कौन चढ़ेगा, ये भी वही है तुम्हारा। ठीक है, फील ऑपरेटर वहाँ नहीं चढ़ता है, फील फीडर ही चढ़ता है, ये कनेक्टेड नहीं है, कोई वैल्यू इसका नहीं लिया जा रहा, देख रहे हो, कहीं इनपुट नहीं है, कहीं आउटपुट नहीं है, ये बस ब्लॉक बना के छोड़ दिया। हाँ, अब इस पर तुम आ जाओ, मान लो इसमें से ले रहे हैं, ये है तुम्हारा DPT ट्रांसमीटर, देख रहे हो, ये चैनल है तुम्हारा, मनोज खोला है, वो चेक कर रहा है, ये चैनल कौन सा तुम्हारा, देख लो, ये AI1 का 4 नंबर, यहाँ से तुम चैनल देख लोगे। ठीक, नॉर्मल ये प्रोसेस वैल्यू आ रही है, ये लास्ट कैलकुलेटेड सारे रॉ वैल्यू, ठीक है, जो भी है, नेम टैग ये है, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ, 1-5 वोल्ट कार्ड सेंसर टाइप है, यहाँ सारा हाई रेंज लो रेंज है जो, ठीक, ओनली ऑटो ये डाल के तुम, ठीक है। अब ये है तुम्हारा डाका ब्लॉक, इसको स्केलिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, ये स्केलिंग है कितने में, 5000 रेंज, लो रेंज और हाई रेंज। हाँ ठीक है, अलार्म ये है तुम्हारे, ये 1800 1000 हाई हाई हाई, ठीक है। तुम्हारा मेन में जाओ, सक्शन स्टेनर DP क्रॉस सक्शन स्टेनर, ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारी एनालॉग ब्लॉक है। ठीक, यहाँ से तुम्हें ये आउट जा रहा है, जहाँ तुम्हें लिंक करना है लिंक कर, ठीक, ये तुम्हारा ऑनलाइन ब्लॉक, ये तुम्हारा M लिखा है ना, ये मोटर ब्लॉक है,
मोटर ब्लॉक में ठीक ये रन फीडबैक आ रहा है तुम्हारा चैनल है चैनल कौन सा है DI2 का पंखा ठीक है ये उसका मॉनिटरिंग ब्लॉक ठीक रन फीडबैक स्टार्ट परमिसिव ये तुम्हारा ट्रिप फीडबैक ये तुम्हारा स्टार्ट परमिसिव है ये एंड गेट है तो जब तक ये सारे हेल्दी नहीं रहेंगे तब आउटपुट हेल्दी और गेट है कोई एक होगा तो ये हेल्दी हो जाएगा ये ग्रेटर देन ब्लॉक है इस वैल्यू का एक पर्टिकुलर लिमिट होगी उससे ज़्यादा होना चाहिए ठीक होने के बाद आउट कर देगा ये एंड है ये आउट किया ये स्टार्ट परमिसिव तुम्हारा किसको चला गया इस डिवाइस कंट्रोल ब्लॉक को ये तुम्हारा ड्राइव ब्लॉक है ये ऑफ कमांड है FL मतलब फ्लैग होता है ऑन ऑफ कमांड ये दोनों ठीक है ये रन फीडबैक आ रहा है इसको ये सारे इनपुट आ रहे हैं स्टॉप का ये परमिसिव आ रहा है तुम्हारा स्टॉप का स्टार्ट परमिसिव जो है ये ऑटो स्टॉप है ये ऑटो स्टार्ट ये स्टार्ट परमिसिव हाँ ये परमिसिव स्टार्ट राइट क्लिक करोगे नेविगेट करोगे तो आ जाओगे ये देखो इसको लिंक किया है ठीक स्टार्ट नेविगेशन हाँ इसको नेविगेशन में जाओगे लिंक तुम्हें दे देगा ठीक है ये तुम्हारा मोटर का ब्लॉक हो गया और उसके बाद कमांड तुम्हारा ये जा रहा है डिवाइस कंट्रोल का DO1 कनेक्ट किया DO1 कौन सा है ठीक यहाँ कनेक्ट कर दिया ये स्टार्ट को ले लिया ये स्टॉप को ले लिया ठीक है ये तुम्हारे चैनल हैं तो DO के जा रहे हैं देखो DO1 का 9 नंबर ठीक चला गया इधर ठीक रिमोट लोकल इसी तरह से वही हो हाँ वैसे इस चीज में रिमोट लोकल ये या तो DO ले लो और या तो DI ले लो ठीक हेलो अब आ गया हेलो PID में आ जाओ ये PID ब्लॉक है तुम्हारा में कौन आएगा LIC लीनियर इंटीग्रल कंट्रोल ना हाँ लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर बोलते हैं सबका अलग अलग लीजेंड है ये है PID डायरेक्टर प्रेशर कंट्रोलर जो तुम देख रहे हो ये प्रोसेस वैल्यू आ रही है ये तुम्हारा बैड PV LR ठीक है मोड का है चेंज अगर बैड आया तो ये मैनुअल कर देगा फोर्स टू ठीक है ये PID ब्लॉक है तुम्हारा ठीक ये मैनुअल ऑटो सारे हाई रेंज लो रेंज आउटपुट का इसमें जो भी आपके एल्गोरिथम है इक्वेशन अगर दिए हो रिवर्स है देख लो ठीक प्रेशर कंट्रोल मतलब रिवर्स बताया था ना ये तुम्हारा गेन दिया है लिमिट टाइम ये इंटीग्रल टाइम डेरिवेटिव टाइम गेन ठीक सेट पॉइंट आउटपुट ये सारे पैरामीटर हैं जो तुम यहाँ एक्सप्लोर करके देख सकते हो ये आया तुम्हारा ये आउटपुट दिया इसमें क्या किया गया है इन्होंने रिवर्स करने के लिए इसने क्या किया है जबकि इस PID में डायरेक्ट है रिवर्स डायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ डायरेक्ट रिवर्स अब इसने क्या किया है यहाँ से 100 में से आउटपुट को घटा दिया है थर्मैक्स ने जो कि गलत है डायरेक्ट इसी ब्लॉक से तुम रिवर्स डायरेक्ट कर सकते हो तो इसमें क्या किया है इसने 100 यहाँ लिया न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ सबस्ट्रेट ब्लॉक लगाया इन PV ये इन इसको दे दिया इसको दे दिया 100 में से 68 करके आउटपुट तुम्हारा निकला 34 ये AO को चला जा रहा है ठीक है ये तुम्हारा क्या हो गया PID ब्लॉक हो गया ठीक तो इसी तरह से इसके ब्लॉक हैं उसके बाद अलग अलग ब्लॉक हैं अब ये तो तुम्हारा मान लो ऑनलाइन मोड हो गया ठीक कुछ भी बदलना है तो तुम ऑनलाइन में भी बदल सकते हो और प्रोजेक्ट में भी जा रही प्रोजेक्ट में ये मोड रहेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट में तुम वैल्यू नहीं देख सकते ऑनलाइन कुछ भी कुछ चेंज करना है तो तुम यहाँ देख सकते हो कर सकते हो जैसे इस मोटर को खोले तुमने प्रोजेक्ट मोड में तो ऑनलाइन वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें देखो ऑफलाइन ब्लॉक मिलेगा तुम्हें पूरा ठीक पूरा कुछ भी चेंज करना है अब मान लो तुम्हें कोई एक ब्लॉक टेस्ट ब्लॉक ले लो नया ये सिम ले लो ठीक इसमें तुझे कुछ नया डालना है तो नहीं सर ये होता क्या जाने सर थोड़ा होता क्या जाने तो बात होता क्या कि आपको पहले
तुम्हारे आईओ मॉड्यूल, इसे भी खोल के देख सकते हो। ये है चैनल सारे, सारा भरा हुआ है। कोई तुम असाइन करना है तो कर सकते हो ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है सब भरा हुआ है ठीक। इसमें एक खास बात और है, जैसे तुम अगर मॉनिटरिंग में चले गए ना, यहाँ तुम आ जाओ बहुत ज़्यादा कम है, प्रोग्राम में जाओ, मान लो कोई मोटर को तुम्हें बाईपास करना है, किसी भी डिजिटल इनपुट को बाईपास करना है। अब ये मोटर है, इसका स्टार्ट परमिशन ये है, ये अनहेल्दी है, तुम यहीं से क्लिक करके बाईपास कर सकते हो। इन्वर्ट ऑप्शन है ना, इसको फोर्स करोगे फोर्स हो जाएगा यहाँ से। हाँ ये तो बहुत इजी चीज़ है। 1 2 3 4 8 ये पिन है, पिन। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 अच्छा 1 2 3 4 तो करस्पॉन्डिंग पिन जो है तो हमारे पास यहाँ शो होगी। अच्छा किसी जिस पिन को तुम्हें इन्वर्ट करना है अच्छा वो तुम कर सकते हो। ओके हमारा अभी स्टार्ट पर भी से बोल लेते हो, मान लो ये है, अगर ये अनहेल्दी जा रहा है तुम्हें अचानक चलाना है, 3 नंबर पिन को क्लिक कर लो, इन्वर्ट हो जाएगा और परमिशन तुम्हारे हेल्दी हो जाएगी ठीक। अब ऑनलाइन में आईओ मॉड्यूल देख लो, ये है, ये तुम्हारा आईओ मॉड्यूल है। स्टेटस डेटा देखना है, सब वैल्यू आ रही तुम्हारी, ये देखो ठीक। तो इस तरह से तुम मॉनिटरिंग में जो चाहे, यहाँ 2 आईओ लिंक है, 1 2 तो सारे आईओ इन दोनों में है ठीक। ये SOE है, DI SOE ठीक। इस तरह से तुम इसको मॉनिटरिंग में वो कर सकते हो।